हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं, हमारा असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन का टॉपिक चल रहा था, यानी कि आकलन और मूल्यांकन का। तो प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट डिस्कस कर लिए थे कि एक अच्छा इवेल्यूएशन के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इवेल्यूएशन के, कि हम क्यों इवेल्यूएट करते हैं और इवेल्यूएशन होता क्या है। उसके साथ साथ हमने टाइप ऑफ इवेल्यूएशन भी डिस्कस कर लिए थे, जो मैंने आपको 3 टाइप्स के बताए थे, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। ठीक है, आज जो मेरी क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा के प्रकार। अब प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, और मेरे साथ मतलब कुछ बच्चे डायरेक्ट कॉल कर देते हैं सर को या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ामिनेशन के बारे में तो पूछा ही नहीं है, असेसमेंट और इवेल्यूएशन के बारे में पूछा है। अब आपको पता है कि आप क्लासरूम के अंदर जब बच्चों को इवेल्यूएट करोगे तो आप कैसे करोगे, वहाँ पे डांस करके तो इवेल्यूएशन नहीं करोगे ना बच्चे का। बच्चे का एग्ज़ामिनेशन के थ्रू ही इवेल्यूएशन करोगे, एक क्वेश्चन पेपर सेट करोगे इवेल्यूएशन का। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितने टाइप के एग्जामिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, किस वे में यूज़ कर सकते हो, तभी तो आप इवेल्यूएट करोगे। तो ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं है, सिलेबस में ही है। जिसको पढ़ना है, जिसको समझना है, तो प्लीज़ वो वीडियो को अच्छे से देखें, और जिसको अपने कंटेंट से रिलेटेड नहीं लग रहा है ये, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई फोर्सफुली नहीं है, लेकिन मैं सबको पर्सनली कॉल पे और ये सब सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ कि आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। आपकी एक बेसिक सी नॉलेज है कि आप किसी भी चीज़ को इवेल्यूएट कर रहे हो, तो क्लासरूम के अंदर आप इवेल्यूएशन कैसे करोगे, ओरली करोगे या रिटन टेस्ट लोगे, एग्जामिनेशन के थ्रू ही लोगे, वहाँ पे आप कोई भांगड़ा वगैरह नहीं करवाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपना टॉपिक। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा के प्रकार, यानी कि एग्जामिनेशन जो हम बच्चे का लेते हैं इवेल्यूएट करने के लिए, उसके कितने टाइप्स हैं। उसके 4 टाइप्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका ओरल एग्जामिनेशन, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही थी कि आप क्लासरूम के अंदर जब बच्चे को इवेल्यूएशन करोगे बच्चों का, तो आप कैसे करोगे, ओरली एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हो, ओरली कन्वर्सेशन के थ्रू कर सकते हो, बात करके या क्वेश्चनिंग करके। तो एक तो आप ओरली कर सकते हो, ठीक है, यानी कि मौखिक परीक्षा के द्वारा। सेकंड, आप रिटन एग्जामिनेशन यानी कि लिखित परीक्षा के द्वारा कर सकते हो। अब लिखित परीक्षा के अंदर टाइप आ जाते हैं, एक आपका एसे टाइप आ गया और एक आपका ऑब्जेक्टिविटी टाइप आ गया। ठीक है, तो जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं लिखित परीक्षा, तो उसके अंदर क्या 2 टाइप्स हमारे आ गए। एक ऑब्जेक्टिव टाइप, आपने क्वेश्चन देखे होंगे MCQs, जिसमें MCQs के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, मैचिंग्स होती हैं, और आपके ऑब्जेक्टिविटी MCQs होते हैं, या अरेंजमेंट होते हैं, अरेंजमेंट में लगाने के लिए जो होते हैं सिस्टमेटिकली, वो वाले होते हैं। ठीक है, वो हम डीपली बात करेंगे उन सब के बारे में। और सेकेंड टाइप आपका आ गया एसे टाइप, जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें एसे टाइप आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको एक एसे की फॉर्मेट में उसको आंसर करना होता है। तो उसकी कोई वर्ड लिमिट अब रख दी गई है कि आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना है, या 500 वर्ड्स में देना है, 150 वर्ड में देना है, जो आपका मैक्सिमम 1-1.5 पेज के अंदर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इवेल्यूएशन किया जाता है, आपकी थॉट्स का इवेल्यूएशन किया जाता है, जो आपके विचार होते हैं किसी टॉपिक पे, कि आपके खुद के क्या विचार हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं, आप किसी पॉइंट को कैसे देखते हो, उसके अंदर मेरिट डीमेरिट्स आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके एसे टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड टाइप है यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन, यानी कि खुली किताब परीक्षा। ये वाले जो एग्जामिनेशन है वो हमारे इसमें नहीं रखा गया है, तो इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटा पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होते हैं वो बेसिकली ओरल
और रिटर्न होते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न होते हैं। ओरल भी हमारा सिर्फ वाइवा और क्वेश्चनिंग और प्रैक्टिकल जब लेते हैं तब यूज़ किया जाता है। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में होता है, खुली बुक जिसमें किताब का यूज़ करके आप एग्ज़ाम देते हो, और क्लोज बुक एग्जामिनेशन होता है बंद बुक जिसमें आप किताब का यूज़ करके एग्ज़ाम नहीं देते हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ओरल एग्जामिनेशन यानी कि मौखिक परीक्षा की। ठीक है, मौखिक परीक्षा क्या होती है यानी कि ओरल एग्जामिनेशन क्या होता है, जब टीचर किसी कंटेंट से रिलेटेड बच्चे का एग्जामिनेशन लेती है मौखिक रूप से, यानी कि टू वे प्रोसेस के द्वारा, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं, टीचर के द्वारा क्वेश्चनिंग की जाती है और स्टूडेंट के द्वारा आंसरिंग की जाती है। ठीक है, ये टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस नहीं होता कि केवल टीचर लेक्चर दे रही है या आपको एक्सप्लेन कर रही है। ये टू वे प्रोसेस किस रूप में है कि टीचर जो पूछ रही है उसका आंसर क्या है बच्चा देगा, या टीचर कुछ बता रही है तो भी उससे रिलेटेड बच्चा कुछ आंसर करेगा या समझेगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका टू वे प्रोसेस, जो आपका ओरल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर आप मौखिक रूप से कन्वर्सेशन के द्वारा किसी भी रिलेटेड जो आपको कंटेंट की नॉलेज चाहिए उससे रिलेटेड आप कुछ भी जान सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये बहुत सिंपल होता है, इसके अंदर सिंप्लिसिटी का गुण पाया जाता है यानी कि सरलता का गुण होता है, क्योंकि इसको बनाने में तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। आप ऐसा भी हो सकता है कि पहले सोच के बैठे कि इससे रिलेटेड मैं ये 10-10 क्वेश्चन क्या है क्लासरूम में पूछ लूँगा, कि ये पूछ लूँगा ये पूछ लूँगा, लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन कर रहे हो सकता है कि वहाँ पे आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ जाए एकदम से, या बातों ही बातों में जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में वहाँ पे कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो क्या किया आपने, वो जो सीक्वेंस रेडी किया था दिमाग में या सोचा था इतने क्वेश्चंस पूछ लूँगा, तो उसमें भी क्या है फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कम भी हो सकते हैं, क्वेश्चन मॉडिफाई भी हो सकते हैं कि आपको ये पूछना था लेकिन ऑन द स्पॉट ये याद आ गया आपने वो पूछ लिया, या उस टाइम आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा पूछने में तो आपने ये वाला पूछ लिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा ये चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हो ओरल एग्जामिनेशन के अंदर। और सबसे ज़्यादा इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि आप सोच रहे हो कि पहले फॉर्मेट रेडी करना है, ब्लूप्रिंट रेडी करना है, ये रेडी करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, उसका सीक्वेंस रेडी करना है, आपको कुछ नहीं करना वहाँ पे। आपको सिंपल अपने कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता है कि कंटेंट कैसे बच्चों के साथ डिस्कस करना है, क्या क्या क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं। अब अगर आपको कुतुब मीनार के बारे में ही पूछना है तो आप बेसिक सी नॉलेज है आगे, आपको पता है कि कुतुब मीनार से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपने बच्चों से पूछा पहले तो कि बच्चे कुतुब मीनार कहाँ है, उन्होंने दे दिया आंसर कि दिल्ली है, तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम मॉडिफाई हो गया। अच्छा किसने बनवाया, ओके किस कलर का है, दिल्ली में कहाँ है, मेहरौली में है, कहाँ है, तो क्या है ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक के बाद एक आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है अपने आप ही मॉडिफाई होते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने इसके गुणों की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या इसकी वैल्यूज़ हैं। तो इसमें मैंने बताया फ्लैक्सिबिलिटी का गुण है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई ओरल एग्जामिनेशन में ये नहीं है कि आप दिमाग में सोच के बैठे हो 10 क्वेश्चन पूछने हैं तो 10 ही पूछूंगा, आपको ऑन द स्पॉट अगर 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा याद आते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हो, लेकिन टाइम अगर कम लग रहा है तो आप 4 या 5 में ही ख़त्म कर सकते हो, या आपको ये हो रहा है कि हाँ बच्चे को नॉलेज अच्छी है उसने 1 या 3-4 आंसर्स में ही आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स कर दिए, या ये बता दिया कि उसकी इस कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, तो आप तब भी वहीं पर फिनिश आउट कर सकते हो अपना एग्जामिनेशन। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है। और सबसे ज़्यादा मौखिक परीक्षा में छात्रों को उत्तर लिखने में लगा जो समय होता है वो बच जाता है। एक जो रिटर्न एग्जामिनेशन लेते हो आप उसमें क्या होता है कि बच्चा पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर उसके बाद थॉट्स आएंगे माइंड में, फिर उनको शब्दों में लिखेगा, उनको सीक्वेंसली अरेंज करेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है टाइम लेती है। लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो एक के बाद आपके दिमाग में जब थॉट्स आते रहेंगे तो आप उन्हें फटाफट बोलते रहोगे, तो वो लिखने वाला जो टाइम है आपका वो बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद
प्रश्न पत्र निर्माण करने में लगा समय बच जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या आपको ब्लूप्रिंट रेडी करना पड़ता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेडी करने पड़ते हैं, सीक्वेंस रेडी करना पड़ता है, फीडबैक चेक करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका टाइम बच जाएगा वहाँ पे। और इसमें क्या है, इसमें प्रश्नों की उपयोगिता, मतलब इसमें क्या है, आप एक उपयोगिता रख सकते हो, मतलब किसी से छुपा के रख सकते हो। अब आपके मन में कौन से प्रश्न चल रहे हैं उससे रिलेटेड, वो कोई सेकंड टीचर को तो नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर रेडी करते हो तो जैसे होता है ना, अभी आपने एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, किसी को पहले मिल जाता है, बच्चों को प्रश्न पता चल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को क्या है, जो एक क्वालिटी होती है क्वेश्चन पेपर की वो लीक हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, आपने मान लीजिए कोई फॉर्मेट रेडी किया, आपसे कहीं मिस हो गया, किसी बच्चे को मिल गया, तो वो सारे क्वेश्चंस पढ़ लेगा, ओके मैम को टेस्ट लेना है, मैम ने तो ये क्वेश्चंस अरेंज किए हैं, तो वो वही वाले प्रिपेयर करके आ जाएगा, दोस्तों को बता देगा। तो इसमें क्या होती है, गोपनीयता का भी गुण होता है कि आपके मन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या वो किसी भी तरह से लीक नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद इसमें शिक्षकों को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में निहित भृक्षण और उबायु कार्य नहीं करना पड़ता, मतलब जो बच्चे का इवैल्यूएशन होता है वो साथ के साथ आपको क्या है मिलता रहता है। आपने बच्चे से क्वेश्चन किया, बच्चे ने आपको आंसर दिल गया, मिल गया, यानी कि फीडबैक मिल गया आपको, इवैल्यूएशन हो गया, देन आपने क्वेश्चन पूछा, देन आपको आंसर मिल गया। लेकिन रिटर्न टेस्ट में क्या होता है, आपने एक फॉर्मेट रेडी कर दिया, बच्चे ने पूरा लिखा, आपने कॉपीज़ कलेक्ट करी, सबसे नंबर ऑफ कॉपीज 100 हो गई, देन आप उसको एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, एक एक आंसर को पढ़ रहे हो, बच्चे ने कैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें मार्क्स दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या है थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रहता, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ पे। तो हो सकता है कई बारी क्या है साइकोलॉजिकल चीज़ें इफ़ेक्ट करती है कि आपकी घर से किसी से झगड़ा हो गया हो, कुछ बाकी चीज़ें हों, तो वो वहाँ पे इफ़ेक्ट डालेगी कि आपने बहुत जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन कर दिया, उनका टेस्ट जल्दी जल्दी कर दिया और लड़ाई हो गई हो, ठीक है 3 मार्क्स दे दिए गुस्से में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ओरल एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलती, ये इसका एक गुण है। और इसके बाद मौखिक परीक्षा के अंदर ये वाला गुण भी पाया जाता है, यानी कि ओरल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाली करेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है कि जो व्यक्तिगत गुण होते हैं वो भी बच्चे के देखने को मिलते हैं। अब जब बच्चा आपके फेस टू फेस सामने है तो आप जब उससे क्वेश्चन करेंगे वो आंसर करेगा, तो आप जज कर सकते हैं कि बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन क्या हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, बच्चे को उस बारे में कितनी नॉलेज है, तो वो क्या है आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, कॉन्फिडेंस से और बाकी चीज़ों से, क्यूरियोसिटी से, ये सारी चीज़ें क्या है आप पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं ओरल एग्जामिनेशन के अवगुण, यानी कि डीमेरिट्स क्या हैं। अब जब मेरिट्स हैं इतने सारे फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी तो होंगे ना, तो नुकसान की बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहला नुकसान इसमें यह है कि जब ओरल टेस्ट होता है तो ओरल टेस्ट में क्या है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम पड़ जाता है, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक एग्जामिनेशन हॉल होता है जिसके अंदर आप 100 बच्चों को बिठा देते हैं और 2 घंटे का टाइम सेट कर देते हैं, तो वो 100 बच्चों के लिए क्या होंगे 2 ही घंटे होंगे, तो आप 2 घंटे में क्या है 100 बच्चों को एग्जामिन कर लोगे, ठीक है। लेकिन ओरल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि दो मतलब 100 बच्चे हैं तो आप पर्सनली सबके साथ ओरल टेस्ट लोगे तो एक बच्चे को कम ही टाइम दे पाओगे। अगर एक बच्चे के साथ आप 2-2 घंटे देने लग गए तो ऐसे 100 बच्चों के लिए क्या आप 200 घंटे दोगे, 2000 घंटे दोगे, तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसे क्या है आपको वहाँ पे 200 घंटे तो नहीं दे पाओगे ना हर बच्चे के लिए, तो इसीलिए क्या है वहाँ पे थोड़ा टाइम लिमिट कम हो जाएगी बच्चे के लिए और उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग भी कम हो जाएगी। आप एक एक बच्चे को पर्सनली जब इवैल्यूएट करोगे तो हो सकता है 5 ही मिनट दे पाओ, 10 मिनट दे पाओ, 15 मिनट दे पाओ, फिर आपको उतना ही टाइम उसको देना है। लेकिन जब आप किसी का रिटर्न में लोगे, बल्क में लोगे एक एग्ज़ाम, तो बल्क में क्या है एक टाइम में आप इकट्ठे कई बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते हो, ठीक है। और सेकंड डीमेरिट इसका यह है कि बच्चे सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं ओरल में, जब वो फेस टू फेस आपके सामने खड़े होते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, अगर उनको आंसर भी याद होगा तो वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं।
आपका भी जब एग्जामिनेशन होता होगा, पहले जब ओरल टेस्ट होता होगा, वाइवा होता होगा साइंस का, तो आपने भी देखा होगा कि आप जब आंसर कर रहे होते हो तो आपको घबराहट होने लगती है, आपकी हार्ट बीट क्या है फास्ट होने लगती है कि मैम पता नहीं क्या पूछ लेंगी, पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और थोड़े क्या है, टीचर के एक्सप्रेशंस भी कुछ ऐसे होते हैं कि टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, देन वो ऐसे करके बैठ जाती है, आपको घूरी होती है कि बताओ ओके, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उस पर कुछ ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप घबरा जाते हो कि मैं सही नहीं बता रहा क्या, मैं गलत बता रहा हूँ, कोई कमी है, तो आप बोलते बोलते हड़बड़ाने लगते हो, रुक जाते हो, जो आपको याद भी आ रहा होता है वो भी भूल जाते हो। तो सबसे बड़ा ये भी अवगुण है ओरल टेस्ट का कि बच्चे में हेजिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एक अवगुण ये है कि पक्षपात हो, मतलब पार्शियलिटी हो सकती है। अब जैसे कई बार होता है कि टीचर्स के क्लासरूम के अंदर बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बिल्कुल पसंद नहीं होते टीचर को, तो उस वे में क्या करेगी टीचर कि जो फेवरेट स्टूडेंट है अगर जब उनका नंबर आएगा तो वो उससे क्या है क्वेश्चन शायद पूछे ही ना, पर्सनली डिस्कस करते रहे, और बच्चे आज कैसा रहा दिन, फैमिली में कौन कौन है, अच्छा ये सब है ये है, तो उससे पर्सनली डिस्कशन करे और उसको मार्क्स दे दे, और अगर क्वेश्चन भी करे तो उससे बहुत इजी पूछे कि ज़्यादा उसका लेवल टफ ना रखे, और जो जो बच्चा बिल्कुल उसको पसंद नहीं है उसके साथ जब क्वेश्चनिंग करेगी तो उसका लेवल थोड़ा हाई रखेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल स्ट्रॉन्ग कर देगी, टफ टफ क्वेश्चन पूछेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चा आपको आंसर करने के लिए ट्राई भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, तो आप वहाँ पे उसको क्या है अपने थ्रू पार्शियलिटी करके क्या है आप उसको जल्दी जल्दी खोलोगे, जल्दी आंसर दो, आपको नहीं आता ठीक है स्किप करो नेक्स्ट पे चले जाओगे, आप उसको मतलब अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दोगे। तो ओरल टेस्ट में क्या है पार्शियलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि शायद पार्शियलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है आप अपने फेवरेट स्टूडेंट को उसी वे में जज करते हो, और जो आपके फेवरेट स्टूडेंट्स नहीं होते आप उनको नलायक और ये सब समझते हो कि इसको तो कुछ नहीं आता, ठीक है इसको क्या है क्या पूछना, इससे जीरो नंबर दो काम खत्म करो, या आप उससे पूछ भी रहे हो और बच्चा आपको थोड़ा घबरा के कुछ आंसर भी कर रहा है तो आप फटाफट उसको स्किप करके नेक्स्ट पे पहुँच जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तो ओरल टेस्ट के अंदर पार्शियलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप अब आपको ओरल टेस्ट समझ आ गया होगा कि परीक्षा ओरल यानी कि मौखिक परीक्षा के हमने डीमेरिट्स और मेरिट दोनों डिस्कस कर लिए, क्या होते हैं आपके लिए यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है। एज अ टीचर अब आपको सजेस्ट करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको ओरल टेस्ट का यूज़ करना है कि रिटन टेस्ट का करना है, और अगर आप ओरल टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इसके मेरिट्स क्या 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 थे उनको ध्यान में रखते हुए करो, लेकिन जो इसके डीमेरिट्स हैं उनको भी ध्यान में रखो कि आपको उनको मिनिमाइज़ करना है या डिलीट करना है कि बच्चे घबराए ना, आप ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट दो कि बच्चे आपके साथ फ्रेंडली क्वेश्चनिंग आंसरिंग करें, और उसके बाद जो भी बच्चे के साथ आप इवेल्युएट करना चाह रहे हो वो प्रॉपर रूप में कर सको, एज ए टीचर आप भी कोई पार्शियलिटी ना करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको ओरल टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड आता है रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका टू टाइप्स में डिवाइडेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड देन एसे टाइप, ठीक है। इसमें पहले एसे टाइप डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एसे टाइप एक ही है, उसके मेरिट डीमेरिट्स और क्वालिटी डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके बहुत सारे हैं तो उसको एक एक करके डीपली मतलब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में सबसे पहले आता है आपका एसे टाइप। अब एसे टाइप में क्या होता है, एसे टाइप में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है आपका कौशल यानी कि आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, आपकी एक कंटेंट के लिए नॉलेज देखी जाती है कि एक कंटेंट के लिए आपको कितनी नॉलेज है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बुक दे दी तो आप एक बुक से ही उस कंटेंट को पढ़ो, उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए आप दो तीन बुक्स का यूज़ कर सकते हो। देन जब भी आप ऐसे टाइप आंसर करोगे तो वहाँ पर उन सारे बुक्स से रिलेटेड जो आपने नॉलेज गेन की है उनको कंट्री करके एक इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आप वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के अंदर रख सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन में बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग कम होती है,
क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, 3-5 घंटे लग सकते हैं। तो इसीलिए 2 घंटे या 3 घंटे के हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग 5 या 6 ही रखे जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा व्यापकता क्यों होती है, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि ब्रॉड एरिया होता है, कि व्यापकता इसलिए पाई जाती है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में जब बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को रखते हैं और बाकी किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या फिर उसको सिस्टमेटिकली लेते हैं या विचारों की स्पष्टता करते हैं, तो उसमें क्या होती है ऐसे टाइप में कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे, उसमें व्यापकता होती है, ठीक है। और एक और चीज़, अब इसके गुण देख लेते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बेसिकली उनके अंदर ध्यान रखा जाता है कि जो भी उसको एक इस तरह से अरेंज किया जाए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हार्डली 5 to 10 के बीच होते हैं। इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, लेकिन स्पेशली ऐसे टाइप क्वेश्चंस किसके लिए रखे जाते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप अपने थॉट्स को एप्रोप्रिएट तरीके से बोल सको, विचारों को बता सको कि आपका उस पॉइंट पे क्या थॉट्स हैं या आप क्या सोचते हो, आपके विचार क्या हैं, ये सब, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि गुण क्या हैं, कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो पहले मेरिट डिस्कस कर लेते हैं कि गुण क्या है। सबसे पहला गुण है सरलता, यानी कि सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी का गुण कैसे लिया हुआ है, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं रखने पड़ते। आपको सीधा कंटेंट चेक किया कि हाँ मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया, ये वाला कंटेंट पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड आपके हार्डली 5 या 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको ईजीली मेंटेन कर सकते हो। इसी के अपोजिट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक कंटेंट से रिलेटेड कई बार 20, 25, 50, 100 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो उनको अरेंज करना, सीक्वेंस रखना, एक क्वेश्चनिंग का वे रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे का ये मेरिट है कि आपको जो सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता का गुण होता है वो बहुत इजी होता है ऐसे टाइप में, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, 5 से 10 होती है, जिसमें इजीली आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि इसकी व्याख्या कीजिए, इसके बारे में समझाइए, अपने विचार बताइए, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब ऐसे टाइप क्वेश्चंस हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, हर बच्चे के अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने विचार होते हैं, उनको बाहर लेकर आना या उनको एक्सप्रेस करने की हमें फ्रीडम मिलती है कि आप किसी पॉइंट को लेकर क्या सोचते हो, आप किस वे में किस बात को लिखना चाहते हो। हर किसी का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए किसी से बोलो कि दिवाली के ऊपर ऐसे लिखिए दशहरे के ऊपर, तो हो सकता है कि कोई बच्चा किसी और तरीके से एक्सप्लेन करे दिवाली को, कोई बच्चा किसी और तरीके से एक्सप्लेन करे। हर किसी के ऐसे में क्या होगी, सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी वहाँ पे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा कि इस बच्चे ने इस वे में एक्सप्रेस किया, इसने इस पे। हर किसी के थॉट्स और विचार अलग होंगे, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम बच्चों के विचारों को अभिव्यक्त करने का एक रास्ता देते हैं, उनके थॉट्स को किताबों पे यानी कि मतलब पन्ने पे उतारने का एक रास्ता देते हैं, ताकि वो इजी वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और वहाँ पे कोई डर भी नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि टीचर सामने खड़ी है, सर के ऊपर डंडा है कि करो जल्दी करो, टाइम इतना है, वो जैसे उसको इजी लगे कि आपके सामने 5 क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट समझ आ रहा है आपने कर दिया, आपको सेकेंड नहीं समझ आ रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हो उस टाइम के लिए, आपने थर्ड पर फोकस किया, देन उसके बाद आपको सेकेंड के बारे में याद आया, देन आपने सेकेंड कर दिया, तो आपको कोई सीक्वेंस में नहीं है कि आपको अभी इसका आंसर करना है, वरना अगर आपने ये वाला टाइम छोड़ दिया तो बाद में आपको इसके ऊपर आंसर करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी फ्रीडम होती है बच्चे के साथ। उसके बाद आता है व्यापकता, यानी कि किसी भी चीज़ में बच्चे के लिए जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सब चीज़ इंक्लूड होती है, जो एक हमारा पूरा कंटेंट होता है उससे रिलेटेड जितने भी 5 या 6 क्वेश्चंस मेंटेन किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे ने पूरी बुक में पढ़ा है,
या बाहर से सुना है या अदर बुक से कंटेंट कलेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें भी क्या हैं बच्चा उसके अंदर इंक्लूड कर देता है। मतलब आपको पता है कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 वर्ड्स में होते हैं, तो आपका एक डेढ़ पेज बढ़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक डेढ़ पेज के अंदर बच्चा कितने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है संगठनात्मक क्षमता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी कैसे आती है बच्चे की? अगर मैं किसी सेंटेंस को बोल रही हूँ, अगर मुझे बोल दिया जाए कि केवीएस से रिलेटेड कुछ बताओ या किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बताओ, तो मैं क्या करूँगी, उसको सिस्टमेटिकली बताऊँगी जब आपको, तो उसको एक सीक्वेंस में बताऊँगी। अभी जो मेरा लेक्चर भी चल रहा है तो उसमें भी मैं एक सीक्वेंस में बात कर रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं ना कि मैं अभी करिकुलम के बारे में आपसे बात कर रही हूँ फिर एकदम से आपके साथ इवैल्यूएशन पे आ जाऊँगी फिर किसी चीज़ पे आ जाऊँगी तो कुछ कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ का वो जोड़ दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब भी आप ऐसे लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, तो आप जब अपनी बात बोल रहे हो, आप जब अपने थॉट्स को रख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उसको एक सिस्टमैटिकली तरीके से कहते हो, रखते हो। अगर आप कोई सेंटेंस ऐसे भी बोलो कि राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जाएगा, वहाँ से आम लेकर आएगा, मम्मी ने उसको इतने पैसे दिए थे, उसका ये लेकर आएगा, तो एक सिस्टमैटिकली लग रहा है। लेकिन अगर आप बोलो कि राम बाजार जाएगा, अच्छा वो उसने खा लिया था, तो इसका तो कोई सीक्वेंस नहीं हुआ। अब बाजार जाएगा से खाने का क्या रिलेशन, राइट? तो इसीलिए आपको वहां पे बच्चे को क्या है ऐसे के थ्रू एक हर बात को अपनी कहने का तरीका, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, उसकी स्किल इंक्रीज होती है कि किसी बात को कैसे बोलना है, लिखना है और उसको शब्दों में कैसे परिवर्तित करना है और एक सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली तरीके से कैसे आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है मूल चिंतन या रचनात्मक चिंतन में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग कैसे इंक्रीज करती है? जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, आपके थॉट्स आते हैं, तो वो क्या है, आपकी क्रिएटिविटी है। अगर मैं यहाँ पे लेके लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ फ़ैन के ऊपर मुझे कुछ बताइए, तो हर किसी के बच्चे का क्या एकदम दिमाग चलने लगेगा कि फ़ैन वाइट कलर का है, ये मूव करता है, हवा देता है, इसको हम कई टाइप के फ़ैन आते हैं, बजाज का फ़ैन आता है, कंपनी अलग अलग होती है, हम मार्केट से खरीद सकते हैं, इनके रेट्स अलग होते हैं। तो सब ने क्या किया, अपने अपने थॉट्स को रखा, क्रिएटिविटी दिखी ना। हो सकता है एक बच्चा सिर्फ इतना ही बताया कि सामने फ़ैन देखा कि मैम इसका कलर तो वाइट है और ये हवा देता है, काम खत्म। लेकिन किसी बच्चे ने इतना ज्यादा डीपली सोचा कि ये अलग अलग कंपनीज के भी आते हैं, इसके अलग अलग रेट्स भी होते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराते हैं, लाइक देते तो हवा ही है, मतलब फैसिलिटी वैसे प्रोवाइड नहीं कराते, फैसिलिटीज ऐसे प्रोवाइड कराते हैं कि हर किसी का जो आप इसका स्विच मोड होता है या फ़ैन की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो मूव वाले फ़ैन्स भी आते हैं, बटन वाले भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पे क्या दिखी, बच्चे की क्रिएटिविटी दिखी कि किसी ने इतनी डीप नॉलेज गेन करी या इतना डीपली घुस के सोचा, और किसी ने बस सामने जो कंक्रीट बच्चे को दिखा कलर और वो बस उसने वही चीज़ें बताई, ठीक है। तो इसीलिए किसी टॉपिक पे आपकी कितनी डीप नॉलेज है या आप कितना डीपली उसमें सोच सकते हो, वो होती है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद भाषा क्षमता का मूल्यांकन, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन के थ्रू आप बच्चे की भाषा क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हो। वो कैसे, जब बच्चा आपको आंसर करेगा रिटर्न में, लिख कर देगा अपना ऐसे, तो आप क्या करोगे, उसकी भाषा को जज कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि बच्चा वहाँ पे किस टाइप के शब्द यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा सिंपल या बहुत ज़्यादा जटिल या संस्कृत टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहा है या बाइलिंगुअल यूज़ कर रहा है, मतलब उसकी एक भाषा के ऊपर कमांड कितनी अच्छी है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि हिंदी में लिख रहे होते हैं लेकिन कुछ शब्दों का उन्हें मतलब नहीं पता होता या हिंदी में लिखना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं फिर हिंदी लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो पता चलता है इससे कि उसमें भाषा पे इतनी कमांड नहीं है, मतलब हिंदी भाषा अच्छी नहीं आ रही है, इंग्लिश भाषा। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर वे में प्योर हिंदी लिखते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन और ये सारी चीज़ें, ऐसे जटिल शब्दों का यूज़ करते हैं, तो पता चलता है
कि बच्चे की कितनी ज़्यादा कमांड है एक लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, तो आप उसका इवेल्यूएशन कर सकते हैं बच्चे के एसे से, ठीक है। अब बात करते हैं अवगुण का, यानी कि मैरिट तो हमने डिस्कस कर लिए, अब डीमैरिट की बात करते हैं कि एसे टाइप क्वेश्चंस के डीमैरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला डीमैरिट इसके अंदर यही है कि साइकोलॉजिकल मार्किंग यानी कि अनसाइंटिफिक मार्किंग, उसमें क्या होता है कि हो सकता है जब टीचर आपका क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है वो इवेल्युएट कर रहा हो, उसको जांच रहा हो, उसमें मार्किंग कर रहा हो, तो वहाँ पे अनसाइंटिफिक मार्किंग आ जाती है। अनसाइंटिफिक मार्किंग कैसी आ जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ पक्षपात हो सकता है, कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। अब वो कैसे, फर्स्ट शिक्षक की मनोदशा यानी कि जो टीचर का मूड है वो डिपेंड करता है आपके इवेल्यूएशन पे। जब टीचर अपने बच्चे की किसी की भी आंसर शीट चेक करता है उस टाइम पे अगर टीचर का मूड फ्रेश नहीं है या उसको किसी बात से अपसेट है, घर में झगड़ा हुआ है या किसी बात से डिप्रेस है, तो इवेल्यूएशन पे क्या है वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। कैसे, अब वो टीचर सोचेगा कि यार मतलब माइंड में उसके कुछ चल रहा है लेकिन सामने क्या है क्वेश्चन पढ़ रहा है लेकिन उसको उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा क्योंकि दिमाग तो कहीं और है, माइंड डिस्ट्रैक्ट है उसका, तो वो क्या करेगा दोबारा कि क्या दोबारा पढ़ना, 5 नंबर का है ठीक है 3 दे दिए, किसी बच्चे को 2 दे दिए, किसी बच्चे को 1, किसी को 0, ऐसे मार्किंग कर सकता है। मूड पर डिपेंड करता है, किसी बच्चे का, किसी टीचर का बहुत अच्छा मूड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो वो क्या सोचेगा क्या पढ़ना ठीक है, आज तो मूड बड़ा अच्छा है, सबको अच्छे अच्छे मार्क्स देते हो, सबको 5 में से 4, 5 to 5, 5 to 3 ऐसे करके मार्किंग कर सकता है। तो वहाँ पे टीचर का मूड डिपेंड करता है। कई बार ऐसे होता है कि टीचर का जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, इंसिडेंट हो गया हो, कुछ घटना घटी हो या घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो भी मूड अपसेट होता है, या उसने कुछ प्लान कर रखा हो कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा वो टाइम देखेगा कि यार जाना है जल्दी, इतनी नंबर ऑफ शीट्स है मेरे पास आंसर शीट, उसको जल्दी से फिनिश करके जाना है, तो फटाफट वो क्या करेगा वहाँ पे उल्टी सीधी मार्किंग करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, मूड ऑफ टीचर। उसके बाद आता है लैक ऑफ टाइम, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर उसका कहीं का जाने का प्लान है कि अभी मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, मूवी का प्लान है, तो वो क्या सोचेगा कि यार 1 घंटा बचा है, अभी 1 घंटे में मुझे 100 शीट्स कंप्लीट करनी है, तो वो तो इम्पॉसिबल वाली बात है, तो वो क्या करेगा बिना पढ़े फटाफट मार्किंग कर देगा, कुछ को पढ़ेगा कुछ को छोड़ देगा इस तरह से, और आधी अधूरी में ऐसे ही मार्क कर देगा बिना किए। तो वहाँ पे क्या होगा जब लैक ऑफ टाइम होगा टीचर के पास, और ऊपर से ज़्यादा इवैल्यूएशन का एक फ़र्क ये भी पड़ता है कि टीचर के पास ऑलरेडी इवैल्यूएशन के लिए जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नंबर ऑफ शीट्स होती हैं और उनको टाइम दिया जाता है कि आपको 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो वो प्रॉपर वे में एक एक आंसर को पढ़ के डीपली उसको समझ के बच्चे को इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ी, बीच में से पूरा गायब, लास्ट का पढ़ लिया ठीक है मार्किंग कर दी बात खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद कि प्रिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कुछ टीचर, प्रिस्क्रिप्शंस कैसे बना लेते हैं, पूर्व धारणाएं माइंड में सेट हो जाती हैं। लाइक आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है तो आप हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचते हो कि बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ये वो, क्या है उसने एग्ज़ाम में इतना अच्छा खुद को एक्सप्रेस किया हो या ना किया हो, आप क्या है उसको देखते हैं कि ओ इस बच्चे की शीट है तो इसको फुल मार्क्स, ठीक है। अगर उसकी कोई कमी भी नज़र आएगी आपको तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे कि कोई बात नहीं इतना स्मार्ट बच्चा है, स्टडीज़ स्मार्ट है ये सब, तो इस टाइम इसकी ये कमी को नेग्लेक्ट करते हैं और इसको फुल मार्क्स दे देते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो भी जिस बच्चे को आप बिल्कुल नालायक समझते हो, क्लासरूम में इतना एक्टिव नहीं रहता, ये सारी चीज़ें, हो सकता है उस एग्ज़ाम के लिए उसने बहुत अच्छी मेहनत करी हो अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए और उसने आंसर शीट में भी काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रेजेंट किया हो, लेकिन आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो गलत धारणाएं हैं, तो आप क्या करते हो कि नालायक है ये सब, तो आप उसकी शीट आते ही क्या करोगे कि ये तो अच्छा कर ही नहीं सकता ये वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करोगे आप उसको अच्छे मार्क्स ना दोगे और वहाँ पे जो उसकी बैड मार्किंग कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें किससे इफेक्ट करती हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करती है कि जो आपकी पूर्व धारणाएं बन जाती है ना किसी बच्चे के लिए कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, ये नालायक है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने आप को एग्ज़ाम में भी इसी वे में एक्सप्रेस करे, तो आपको
अकॉर्डिंग टू आंसर शीट उसको इवेल्यूएट करना है. वहाँ पे कोई अपनी प्रिस्क्रिप्शन या लैक ऑफ टाइम या फिर अपने मूड के ऊपर आपको बच्चे को जज नहीं करना है, ठीक है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है प्रश्नों की अस्पष्टता का अर्थ, मतलब बिगिन मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस. इसमें क्या होगा कि आपके साथ क्या होता है कि कई बार जो आपने क्वेश्चंस लिख देता है, जो मैंने आपको बताया कि डबल मीनिंग क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चंस का हो सकता है एक वे और सेंटेंस के दो दो मतलब निकल रहे हों, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखने हैं जो अर्थपूर्ण हो. ऐसे क्वेश्चंस रखने हैं एग्जामिनेशन में कि जो अगर 30 बच्चे एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो 30 के 30 बच्चों को सेम मीनिंग मिले, उसका सेम मतलब मिले कि हाँ मैम ये पूछना चाह रही हूँ और हमें ये आंसर करना है. ऐसा ना हो कि 30 में से 20 बच्चों को कुछ उसका मतलब निकल रहा है और 10 बच्चों को कुछ और ही मतलब निकल रहा है. तो इसीलिए जब बच्चे आंसर्स करेंगे तो आंसर में भी क्या है फर्क देखने को मिलेगा. तो इसीलिए अपने प्रश्नों की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चंस को ऐसे मैनेज करना है कि उनका डबल मीनिंग ना निकले, एक ही मीनिंग सभी बच्चों के लिए निकले. उसके बाद बात करते हैं शर्म और समय का अधिक व्यय. अब जब रिटर्न एग्ज़ाम में भी टाइम लगता है तो उसको इवेल्यूएट करने में भी टाइम लगेगा, तो आपको नंबर ऑफ़ शीट्स के अकॉर्डिंग इवेल्यूएट करना पड़ेगा. अगर आप प्रॉपर वे में उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि आपको कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक एक शीट के अगर एक क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो एक बच्चे के 5 और 10 क्वेश्चंस डीपली पढ़ना, समझना, उसको इवेल्यूएट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, क्योंकि आपने जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं अब उसको उसी वे में इवेल्यूएट करना है. बच्चों की डीप थिंकिंग देखनी है, ये नहीं कि आप उसको कट कर दो कि मैंने जो पढ़ाया वो तो लिखा ही नहीं, पता नहीं बच्चे ने कहाँ से लिख दिया. आपको चाहिए कि बच्चे बस अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा कर सकें और बच्चे के जो थॉट्स हैं वो प्रॉपर हो, उससे रिलेटेड हो. ये नहीं कि आप मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ रहे हैं तो बच्चा शाहजहाँ के बारे में लिखाया, वो चीज़ नहीं हो रहा. शाहजहाँ के बारे में भी लिख रहे हैं तो कितना प्रैक्टिकली लिख, क्या चीज सही है क्या गलत है, ठीक है, वो चीज आपको जज करनी है. उसके बाद होता है रटन शक्ति पर बल देता है, यानी कि रोट मेमोरी पे ज्यादा फोकस रहती है. जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि बच्चे को जब पूरा एक कंटेंट दिया जाता है लर्न करने के लिए या बच्चा लर्न करता है तो हो सकता है उस कंटेंट के अंदर बच्चे को कुछ पॉइंट ना समझ आए, कुछ पॉइंट समझ आ गए, लेकिन उसको एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है. तो वो उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि मेरे को पेपर तो पास करना ही है, तो पेपर कैसे पास करूँगा जब मेरे को आ ही नहीं रहा. तो वहाँ पर क्या करता है वो रट्टा मार लेता है कि चलो ठीक है पेपर पेपर तक का टाइम है, बस पेपर निकल जाए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसको फटाफट रोट मेमोरी में इंक्लूड कर लेता है कि रट्टा मार लेता हूँ, किसी को 2-3 बार सुना देता हूँ, लिख लिख के देख लेता हूँ, अच्छे से रट जाएगा, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा उसको फटाफट अटेम्प्ट करके और वैसा का वैसे ही छाप दूंगा, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद मैं भूलूँ याद रखूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है. तो इसीलिए जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके तो वो आपकी रोट मेमोरी पे ज़्यादा फोकस होते हैं, रटन पर बल देते हैं. कई बार बच्चे रट्टा मार के वहाँ पे क्या है आपके सामने अपने आंसर्स प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है उनके साथ भी कि जो उन्होंने रट्टा मारा है उसके बारे में उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, वो कहना क्या चाहता है वो भी उनको नहीं पता होता कि आखिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और हम जो आंसर कर रहे हैं उसमें क्या बातें बोली जा रही हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है. वो सिर्फ हू रट लेता है कि का लिखा है तो का, माँ लिखा है तो माँ, लेकिन का क्या अर्थ है, माँ का क्या अर्थ है, वो अर्थ समझने की कोशिश ही नहीं करता, ठीक है. तो ये रटन पर बल देता है तो इसका एक ही अवगुण है. उसके बाद अनुमान लगाकर पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, वही सेम चीज इंकरेज करता है टेंडेंसी ऑफ गेस एंड रीड. इसमें क्या है कि बच्चा ऐसे टाइप क्वेश्चंस में क्या करता है कई बारी कि अगर किसी टॉपिक पे रिलेटेड आपको दे दिया जाता है और बच्चे को उसकी थोड़ी नॉलेज होती है, मतलब इतनी डीप नॉलेज नहीं होती लेकिन थोड़ी सी नॉलेज होती है, तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा कई बार अभी भी जैसे स्कूल तो नहीं कॉलेजेस के बच्चे करते हैं कि आपको अगर किसी मतलब किसी पे ऐसे लिखना है और लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं तो वो क्या करते हैं स्टार्टिंग का 1 पेज क्या है, 1 पेज स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा सारी बातें उसमें लिख देते हैं उस कंटेंट से रिलेटेड, लेकिन बीच में क्या है
कहीं की खिचड़ी कहीं पका देते हैं, क्या घुसा देते हैं उसके बीच में, गाने लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं कुछ पता नहीं चलता, और लास्ट में बड़ा अच्छा अच्छा लिख देते हैं कि इससे रिलेटेड ये है, कंक्लूजन ये है, तो उसको एक ऐसे वे में फॉर्मेट और उसको इतना सजा धजा देते हैं कि जो टीचर होती है सामने देखने वाली उसको इतना अच्छा लगता है कि वाह उसने फर्स्ट पेज पढ़ा कि वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने, तो वो बीच का नहीं पढ़ती, लास्ट में देखती है कंक्लूजन निकाल के दे रखा है ये वो, तो उसको फटाफट फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो बच्चे ये कहानियाँ करते हैं ऐसे टाइप में, तो इसीलिए गेस और रीड, जो गेस और रीडिंग होती है बच्चे की, वो ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि बच्चों को जब ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती तो वो बच्चे बीच में कहीं ना कहीं की खिचड़ी पका के लिख देते हैं अपना आंसर्स की लेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सीमित विस्तार यानी कि लिमिटेड कवरेज होता है, थोड़ा सा हो सकता है ऐसे टाइप में। सीमित विस्तार कैसे होता है, सीमित विस्तार के अंदर कि टीचर के सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते हैं, चार या पांच ही उनको रखने पड़ते हैं, हार्डली आप 10 तक की क्वांटिटी रख सकते हो, लेकिन 10 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे में, तो आप 5 या 6 ऐसे रख सकते हो, तो वो 5 और 6 के अंदर ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मेंटेन करने हैं कि आपसे रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट उसमें कवर हो, ठीक है, कवरेज पूरी हो जाए, सीमित हो जाए। उसके अंदर क्या होता है, ऐसा ना हो कि आपने जो एक पूरी मान लीजिए चैप्टर, किसी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा रहे हैं या आप इवैल्यूएट कर रहे हैं चैप्टर, तो पूरे चैप्टर को वो कवर ही ना करे, सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन क्या है, हाफ चैप्टर को कवर कर दे, तो आप बाकी हाफ के लिए क्या करोगे फिर, तो इसीलिए आपको इस तरह से अपने क्वेश्चन रखने हैं कि उसकी कवरेज सीमित हो। तो इसमें क्या होता है, जिसका डीमेरिट यही है एक और, कि इसमें जो कवरेज हो जाती है वो थोड़ी सीमित हो जाती है, ठीक है, हमें देखकर चलना पड़ता है कि जो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग है वो लिमिट में रखनी है और जो हमारा एक पार्ट है वो भी पूरा का पूरा इंक्लूड होना चाहिए, तो इसीलिए आपको इस हिसाब से उसके आंसर्स करने हैं, इस हिसाब से उसके क्वेश्चनिंग रखनी है कि आपका पूरा सब कुछ उसमें कवर भी हो जाए और बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग देख के डर जाए, ठीक है। ये थे आपके मैरिड और डीमैरिड हमारे एसे टाइप क्वेश्चन के। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन या जो इसके सुधार क्या हो सकते हैं, इम्प्रूव क्या कर सकते हो। अब जो जितने भी डीमैरिड्स बताए मैंने उसमें आप कुछ ना कुछ सुधार ही करोगे ना एसे टाइप को और अच्छा बनाने के लिए, क्लासरूम में इफ़ेक्टिव करने के लिए, तो आप उन डीमेरिट्स को कम करके यानी कि अवगुणों को घटा कर इसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो एसे टाइप क्वेश्चंस की, वो बात करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, जो भी आपका इवैल्यूएशन करना है या जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, जो भी आपकी टीचर या परीक्षक है, उनको एक ऐसा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर मेंटेन करना है जो इतने अच्छे तरीके से मेंटेन हो, जिसमें प्रॉपर रूप से जिस चीज़ का हमें इवैल्यूएशन करना है उसी चीज़ का इवैल्यूएशन हो। ये नहीं कि हमें इस कंटेंट का इवैल्यूएशन करना है लेकिन क्वेश्चंस तो कहीं और ही जा रहे हैं, किसी और से रिलेटेड ही आप पूछ रहे हो, तो इसीलिए उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा रखना है आपको, उसके गुण इतने अच्छे होने चाहिए जो आपके इवैल्यूएशन से रिलेटेड हो, वो चीज़ें आपको उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर मेंटेन करनी है, ठीक है। फर्स्ट है ये पॉइंट आपको जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है ऐसे टाइप में। सेकेंड है कि क्वेश्चंस की लेंथ इतनी बड़ी नहीं रखनी है कि आप 3-4 लाइनों का क्वेश्चंस ही ले लें, बच्चा उसको एक बार पढ़ेगा दूसरी बार पढ़ेगा, तो इसीलिए क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, थोड़े छोटे और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जैसे दिवाली से, दिवाली के बारे में व्याख्या कीजिए, दिवाली को मतलब दिवाली या दशहरा के बारे में व्याख्या कीजिए, आपका छोटा सा क्वेश्चन बन गया ऐसे टाइप का। अब आप ये तो नहीं लिखेंगे ना कि राम जब वापस आए थे तो कौन सा त्यौहार मनाया गया था तथा उसमें क्या क्या चीज़ें की गई थी उसके बारे में व्याख्या कीजिए, इतना लंबा चौड़ा क्यों खींचने की ज़रूरत है, सीधा सा लिख दो कि दिवाली के बारे में व्याख्या करो, दशहरे के बारे में बताओ, उसके आपके क्या विचार हैं, मतलब कुछ भी जो आपको क्वेश्चंस रखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस इतने लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे और अप्रोप्रिएट होने चाहिए और इस हिसाब से होने चाहिए कि बच्चों को सीधा उनका अर्थ समझ में आए। और उसके बाद
बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, बच्चे के मेंटल एज और लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चा सिक्स क्लास में है तो आप क्या कर रहे हो और टेंथ क्लास का टॉपिक उठा के उनसे पूछ रहे हो कि टेंथ क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग बताओ। अगर सेम कॉन्सेप्ट टेंथ क्लास में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका थोड़ा एरिया ब्रॉड हो जाएगा, वहाँ पे क्या है ज़्यादा चीज़ें बच्चा सीखेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। लेकिन वही टॉपिक अगर छोटी क्लास में आ जाता है तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कम होगी और बच्चा सीखेगा भी कम। तो इसीलिए आपको एक लिमिट मेंटेन करके चलनी है हर चीज़ में कि बच्चे के लेवल और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एक और पॉइंट कि इसमें ये भी ध्यान रखना है कि टीचर्स को ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, कि टीचर क्या है इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे कि मैंने जो पढ़ाया है, जो किताब में लिखा है, आपको वैसा ही हूबहू अपने आंसर शीट में लिखना है तो ही मैं मार्क्स दूंगी। वहाँ पे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए उस कंटेंट से रिलेटेड बच्चे की कितनी डीप नॉलेज है, या बच्चा अपने शब्दों को कैसे ढाल सकता है, अपने आप को अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, आपको वो चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ट्राई कीजिए इसको और इम्प्रूव करने के लिए कि आपको बुकिश लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर। वहाँ पे आपको किस में फोकस करना है, बच्चे के थॉट्स पे और इस चीज़ पे कि बच्चा अपने आप को कितने अच्छे वे में एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। ऐसे टाइप के अंदर आपको इम्प्रूव करने के लिए एक पॉइंट ये चाहिए, ठीक है। ये था आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या होता है, उसके मेरिट डीमेरिट क्या हैं, और लास्टली हमने बात कर ली कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो उसकी कमियां हैं उसको कैसे दूर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एक इतने सिस्टमेटिकली तरीके से मेंटेन किए होते हैं कि आपको सीधा क्वेश्चन देन उनके ऑप्शन सामने ही होते हैं, आपको सिर्फ आपको अपनी थिंकिंग लॉजिकल और नॉलेज चलानी है कि आप कैसे उसका आंसर आप अप्रोप्रिएट करते हो, ठीक है। लेकिन एक बात और है, इसका एक डीमेरिट है, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, बच्चे तुक्के बहुत लगाते हैं। अगर आपको सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको पता है इन चारों में से एक तो आंसर होना ही है, कोई भी हो चाहे। तो अगर बच्चे को आंसर भी नहीं आएगा ना तो भी वो क्या है उसमें तुक्का भेड़ के आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि बच्चे का वो आंसर ठीक भी हो जाए तो बच्चे को मार्क्स तो मिल गए वहाँ पे, लेकिन बच्चे को उसके प्रति नॉलेज कुछ नहीं है। बच्चे को तो यही नहीं पता था क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसने तो देख के बस ऑप्शन और तुक्का लगाया, वो तो तुक्का भिड़ गया उसका कि आपको मार्क्स मिल गए तो, लेकिन उससे रिलेटेड बच्चे को नॉलेज तो कोई नहीं है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का एक बहुत बड़ा डीमेरिट यही है कि इसमें तुक्के लगाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है, और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में जिनमें अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप, हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका सिलेक्शन होता है, एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो 200 300 500 जितने भी क्वेश्चन हैं सब में बच्चे अगर उसको 100 ही आ रहे हैं ना तो बाकी के 100 में तुक्के ही भेड़ आता है कि क्या पता उसमें से 50 ही ठीक हो जाए तो 150 नंबर तो मिल जाएंगे। तो इसलिए पता है क्या, इसमें इस सबसे ज़्यादा डिमेरिट यही है। तो अभी बात करते हैं पहली बात ऑब्जेक्टिव टाइप की, कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पहली बात तो बहुत सारे टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के पहले, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता क्या है, उसके मेरिट और डीमेरिट। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है, ठीक है। उनके अंदर कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार लिमिटेड होते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस रूप में इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कई बार चीज़ें इसमें अब क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, इसमें अल्टरनेटिव तरीके आपको बहुत दिए जाते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको जो आंसर्स करने होते हैं वो अल्टरनेटिव टाइप करने पड़ते हैं। वो किसी भी वे में आप कर सकते हो, हाँ या नहीं में, मतलब येस या नो में, चार ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करते,
करके या मैचिंग टाइप में करके, तो ये हमारे टाइप्स हो जाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के मेरिट्स क्या हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के गुण क्या हैं, फायदे क्या हैं। सबसे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मूल्यांकन विधि अधिक वैज्ञानिक है। अधिक वैज्ञानिक क्यों हैं? जो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, गुण है, वो यही है कि जो आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है। क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपने टिक किया एक मार्क्स आपका, उसमें कोई आपका राइटिंग का डिडक्शन नहीं होना, कोई आपके थॉट्स और विचारों की सीक्वेंसी नहीं देखनी है, भाषा नहीं देखनी है, मात्राएं नहीं देखनी है कि आपने मात्राएं गलत कर दी, स्पेलिंग गलत कर दी, वो कट हो जाएगा। तो वो क्या होगा? वो नंबर आपका। तो ऐसे ही आपने 50 क्वेश्चंस के अगर 50 आंसर टिक कर दिए तो 50 नंबर आपके। लेकिन अगर वही ऐसे टाइप में आप लिखने बैठो तो वहाँ पे आपके राइटिंग के मार्क्स भी कट जाएंगे, वहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कट जाएंगी, वहाँ पे आपने अगर विचारों को अच्छे से सीक्वेंसली नहीं किया वो भी कट जाएगा, एक सेंस नहीं बनी तो क्वेश्चन आंसर की, तो क्या है वहाँ पे उस टाइप में भी डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरिट का ये था कि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विधि है। उसके बाद कि इसमें प्रश्न काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो बच्चों को क्या है, समझने में बहुत आसानी होती है कि फटाफट पढ़ा, ऑप्शन देखे और टिक किया। अगर लंबे भी होते हैं तो बच्चे को इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है कि उसको पूरा आंसर लिखना है डेढ़ घंटे का बैठ के। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी आता है कि इसमें जब नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है तो समग्र पार्ट यानी कि पूरा का पूरा करिकुलम या पूरा का पूरा कंटेंट ध्यान में रखा जाता है, उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर आपका पूरा एक कंटेंट आपको ये देता है कि आप 50 क्वेश्चन इसमें पूरा कवर कर लेंगे तो आप 50 भी रख सकते हैं, लेकिन एक कंटेंट आपको बोल रहा है कि 100 इसमें कवर होंगे तो आप 100 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में क्या है रख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या है, बच्चे का जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, एक और पॉइंट, जो बच्चे का ज्ञान और नॉलेज होती है या स्किल्स होती हैं, वो इससे बहुत अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएट से आप इवेल्युएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा है और आपको पता है कि बच्चे को मतलब क्वेश्चन का अर्थ पता चल गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उसको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, तो मतलब बच्चे को उसकी नॉलेज है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपने डायरेक्ट क्या है आंसर वहाँ पे कर दिया। वहाँ पे आपने कोई खिचड़ी नहीं पकाई, कुछ गाने नहीं लिखे, कोई रामकथा नहीं लिखी कि आपसे पूछी तो रामायण है लेकिन आपने लिख दी महाभारत है। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं करनी। तो वहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको अर्थ समझ आया और आपने डायरेक्ट ऑप्शन क्या है टिक कर दिया, तो वहाँ पे आपकी एक डायरेक्ट नॉलेज चेक करी जाती है कंटेंट से रिलेटेड और डायरेक्ट स्किल चेक करी जाती है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें रटने की अपेक्षा, मतलब रट कर किसी चीज़ को नहीं लर्न करना है, उसकी अपेक्षा क्या है, आपकी मेमोरी और नॉलेज और इन सब पे ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप रट्टाफिकेशन करके भी जाओगे कि अगर ये वाली लाइन रट ली कि मैंने, चलो हमारे से रिलेटेड ले लो कि आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी को रट लिया अच्छे से कि उसने ये किया ये किया ये किया, ठीक है, लेकिन अगर काम क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया कि एज़ पर थॉर्नडाइक थ्योरी आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर सकते हो, या एज़ पर थॉर्नडाइक थ्योरी की उसने क्या कहा है, उसका एजुकेशनल यूज़ क्या है, तो आप तो बता ही नहीं पाओगे। आपको तो यही पता है कि थॉर्नडाइक ने कैट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, हंगर कैट थी, ये कंडीशंस रखी, इसके इतने नाम है, काम ख़त्म। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसने वो जो थ्योरी दी है वो एजुकेशन से रिलेटेड क्यों दी है, कि आप बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे ड्राइव दे सकते हो, कैसे स्टिमुलस दे सकते हो। तो इसीलिए जिस बच्चे को उसकी डीप नॉलेज है, जानकारी है, वही बच्चा क्या होगा उस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर पाएगा, लेकिन बाकी बच्चे जिसने रट्टाफिकेशन करी है वो बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये थे इसके मेरिट्स ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के डीमेरिट्स क्या हैं।